पूर्व कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने हमीरपुर में भाजपा नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा कि भाजपा के विधायक किसी भी पार्टी में आते जाते रहते हैं, इसलिए पार्टियों का इतिहास वे विधायक भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कंपनी ने कोर्ट में दावा अभी नहीं किया है, बल्कि ये मामला वर्ष 2009 का चला हुआ है और हाई कोर्ट ने फैसला अभी सुनाया है। अनीता वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकारों को हटाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत ही सारा काम हो रहा है। अनीता वर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए भाजपा के उम्मीदवार से पकड़ा गया है और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो ईडी एक घंटे में आकर पकड़ लेती। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि इस विषय में ना तो भाजपा कोई बात कर रही है और ना ही कोई बात बता पाई है कि इतना करोड़ रुपए कहां से उम्मीदवार के पास आया है। मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूंगी क्योंकि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर वापस किसी पार्टी में जाते हैं, तो कई बार एक पार्टी का उस इतिहास है उसको भूल जाते हैं और दूसरी पार्टी का इतिहास थोड़ा सा रटने लगते हैं। क्योंकि अगर वो बीजेपी में अभी तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी काफ़ी सरकारी संपत्तियां जो हैं वो बेची थी। और ये जो बात कर रहे हैं कि ये संपत्ति कुर्क हो रही है, इस संपत्ति के ऊपर जिस कंपनी ने, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है, जिसने दावा पेश किया था आपके कोर्ट में, तो ये कोई अभी थोड़ी पेश किया, 2 साल हुए अगर ये केस चल रहा था, क्योंकि 2009 में उस कंपनी को यहाँ पर काम मिला था, उसके बाद तो बीजेपी की सरकारें आई, तो उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में सोचा या देखा कि क्या हो रहा है। आज आप अगर देखो तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, तो सेंटर में जो सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हम जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनको गिराएं और बताएं कि ये सब जो हैं ये करप्ट हैं, हम लोग जो हैं बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमारे में कोई खोट नहीं है, और इन सरकारों को हटाकर हम अपने बीजेपी की सरकार लगाएं और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी की सरकार चले। अब इनकी करप्शन का तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको कल जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बारे में बोलना चाहूंगी। 500 करोड़ रुपया एक बीजेपी के कैंडिडेट के यहाँ पकड़ा गया। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो एक घंटे में ईडी दिल्ली से आकर उसको पकड़ लेती और पैसे को जब्त कर लेती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 500 करोड़ आया कहाँ से और कैसे उस 500 करोड़ को डिलीवर किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है, ना बीजेपी इसके बारे में कोई बात करना चाह रही। तो आप समझ सकते हो कि ये सत्ता में आने के लिए, कि महाराष्ट्र हमारे हाथ से ना जाए, एक तो सिर्फ आपको एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ, जो पैसे पकड़े गए हैं उसके बारे में भी एक बीजेपी के बंदे ने बोला कि वो पैसे बांट रहा है इतने और इतने पैसे हैं। तो उसमें सत्ता में आने के लिए अगर एक जगह इन्होंने 500 करोड़ दिए तो सोचो पूरे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ इन्होंने पैसे दिए ताकि बस सत्ता में आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप इतना महान बनना चाहते हो जो आप अपने आप को बताते हो, तो कृपा करके जो जनता फैसला करती है किसी स्टेट में भी, किसी भी राज्य में, कोई भी सरकार लाने के लिए, कोई भी पार्टी को लाने के लिए, तो उस जनता का आप सम्मान कीजिए, उस जनता का आप प्रणाम कीजिए कि भाई कल को यही जनता, अगर आपने बड़े अच्छे काम पीछे किए होंगे तो आपको भी सपोर्ट करेगी। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो कल इन्होंने कहा है कि कुर्क हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर क्योंकि जितना उन्होंने बताया पैसा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास काफ़ी पैसा होता है उस कुर्की से हटने के लिए या उस कुर्की से बाहर आने के लिए, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ठीक कहा, इसकी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके बारे में फिर हम फैसला देंगे कि क्या करना है और क्या होगा।